गोपी गीत का महत्व क्या है और कौन इसको कर सकता है और कैसे करना चाहिए? गोपी गीत का पाठ, इसका महत्व क्या है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और इसको किस प्रकार से करें? ये तीन प्रश्न है गोपी गीत को लेकर। महाराष्ट्री, पूरे भागवत का जो हृदय है, प्राण है, ये रास पंचाध्याय को पूरे भागवत का प्राण, पांचों अध्याय इसके प्राण कहे, पंच प्राण महाराष्ट्री, और उसमें भी गोपी गीत की मुख्य प्राण है, मुख्य महिमा है, इसकी सबसे अधिक महिमा है। तो ये समझ लीजिए पूरा भागवत का जो मुख्य मूल जो चीज है वो गोपी गीत है। आत्मा ही कह सकते हैं, आत्मा गोपी गीत है। तो गोपी गीत, चलो इसको महात्म तो हो गया कि तो आत्मा होगी, मैंने सबसे अधिक महिमा है तो गोपी गीत की। जी महाश्री, अब आप ये बताइए कि कौन इसको कर सकता, कौन नहीं? महाश्री, गोपी गीत को सब पाठ कर सकते, सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कर सकता है कोई नहीं, इसमें स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब कर सकते हैं। क्या अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं? हाँ जी महाश्री, पाठ जो मानसिक पाठ है अपवित्र अवस्था में, मानसिक पाठ आप अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं लेकिन गा करके नहीं, बोल करके नहीं। अगला प्रश्न है, अच्छा कैसे करना चाहिए, इसके लिए कोई विशेष नियम? जी महाराष्ट्री, संतों के मुख से, आपके मुख से सुना है, इसका तो ऐसे कभी भी पाठ कर लें ठीक है, लेकिन ये अधिक लाभदायक कैसे हो? तो कहते हैं जिस समय ये लीला हुई प्रत्यक्ष में, यदि उसी रात्रि के समय में, यदि उसी समय में जब सब सो रहे हो, जब सब सो रहे व्यक्ति एकांत में हो, जी, और उस समय पहले रास का चिंतन करें और समझे जो ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं, मैं भी एक गोपी हूँ। रास करते करते और बहुत आनंद आ रहे हैं, गलबैयां दिए, सब सखियां सब गोपियां हैं और रास कर रहे हैं, और फिर एकाएक हमारे मन में अहम आ गया, ये भी यदि जोड़ ले तो अच्छा है, हमारे मन को छोड़कर चले गए, फिर हमको छोड़कर चले गए, फिर विरह में हम सब गा रहे हैं, फिर हम विरह में गा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु कहाँ चले गए जी, और अपने अंदर में दीनता धारणों से मुख्य आया है, क्योंकि महाराज जी ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं है, बिल्कुल, तो हम दीनता धारण करके इसको पाठ करें, बिल्कुल।